चुनाव होता है, कोई जीतता है कोई हारता है। अगर हम हार जाएं तो मेरा मानना है कि हमें उसको जब्त करना चाहिए और जीत जाए तो जैसे कहते हैं अपने आप उबराना नहीं चाहिए। मैं भी 7 चुनाव जीतने के बाद पिछला चुनाव श्री राहुल सिंह से 790 वोट से हार गया। हालांकि मेरे पास तो बताने को वैध कारण भी है कि आदरणीय डॉक्टर रामकृष्ण जी को स्मरणीय खड़े हो गए, हमारे सांसद रहे हैं 5 बार और उनको 1100 से ज्यादा वोट मिल गया और मैं 790 वोट से हार गया। परंतु मैंने तब भी किसी को इसके लिए नहीं कहा, मैंने अपनी हार स्वीकार की और बस कहा कि भाई जनता की सेवा करते रहें करते रहेंगे। आज फिर ये चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने श्री राहुल लोधी को कैंडिडेट बनाया, कैंडिडेट बनाने के बाद चुनाव होगा। चुनाव में जनमानस पूरी तरह से उनके विरोध में था और ये कह देने से कि ये स्टार प्रचारक रहे हैं और मंत्री रहे हैं और ये अपना वार्ड हार गए, जहां हम शहर में कोई वार्ड जीते ही नहीं है, देहात में भी हारे हैं। 17,000 की हार कोई हार होती है? कोई हरा नहीं सकता। 2-500 हजार वोट से तो समझ में आता है, 17,000 वोट से अगर कोई हरा सकता है तो सब जनता हरा सकती है। जनता खिलाफ थी, जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं थी, परंतु भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में श्री राहुल लोधी जी के खिलाफ थी। संभवतः उनके दल बदल के कारण, उनका जो 1.5 साल का परफॉर्मेंस रहा है उसके कारण, तो और भी जो भी कारण रहे होंगे इसके कारण। अब भारतीय जनता पार्टी के तो बहुत नेता हैं शहर में, हम भी यहां रहते हैं, आदरणीय प्रहलाद पटेल जी का भी घर है यहां, हमारे सांसद हैं, हमारे जिलाध्यक्ष जी का भी घर यहां पर है, नगर के मंडल अध्यक्षों के भी घर है यहां, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष महोदया का भी घर है यहां, सबके वार्डो में हारे। इसमें किसी एक को सोची समझी साजिश के तहत उन्होंने मेरा नाम लिया है, उनको लगता कि हो सकता है हम साफ टारगेट हों, किसी और का नाम लेने में तो उनको तकलीफ भी होती। मेरा ये मानना है ये चुनाव वो अपने कारणों से हारे हैं और मुझे जो बात करना होगी मैं पार्टी के सामने अपनी बात रखूंगा। और जिस तरीके से 3 माह पूर्व जो पार्टी में आए और एक हार बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो भी बड़ी हार बर्दाश्त करने का कहने का वो नहीं छोड़ पाए और उन्होंने आरोप लगा दिया, ठीक है आरोप लगाना तो आसान है, मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना है और न किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है मुझे, परंतु ये ठीक बात नहीं है, इस प्रकार से होना नहीं चाहिए। और अगर होता है तो ठीक है, अपना प्रणाम खोजने के लिए तैयार रहें। निष्कासन की कार्रवाई के लिए भी उन्होंने बोला कि शिकायत करेंगे। हाँ करें ना, पार्टी कुछ पूछेगी मुझसे मैं जवाब दूंगा, नहीं तो फिर मुझे जो निर्णय लेना होगा मैं अपना निर्णय लूंगा।